गर्मी काफी ज्यादा है, लेकिन यहाँ का जो पानी का झरना है काफी खूबसूरत है। मॉल में आके बैठो, ठंडा हो जाओ, बाद में जाओ, हम लोग यही कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों। तो आज हम लोग दमाम से जुबैल आ चुके हैं और जुबैल से जा रहे हैं डायरेक्ट रॉयल कमीशन अल फनातीर, जो काफी फेमस एरिया है। आज मैं आपको वहाँ का सीन दिखाऊंगा और हमारे साथ इदरीस शेख जी हैं, तो साथ में चल रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ रुके हुए थे कुछ पीने के लिए, और इदरीस शेख के गांव वाला भी साथ में आ चुके हैं, तो सब साथ में आज घूमने जा रहे हैं। और आज को कुछ आज यानी कुछ नया देखने को मिलेगा। ये रहा जुबैल सेंटर, जो लोग भी यहाँ पे आते हैं तो जुबैल सेंटर में बुलाते जरूर है। जुबैल सेंटर आ जाओ, वहीं पे मिलते हैं। और ये तो देख सकते हैं कितना ज्यादा कंटेनर यहाँ पे लगा दिया है, जैसे अपने यहाँ कहते हैं ना अड्डे पे आ जाओ उस तरीके से। और ये देखिए ना कंटेनर कितना बड़ा लगा दिया है, इसे क्या साबित होता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट ज्यादा होती है यहाँ पे। देख सकते हैं ये लोग लोगो ही बना दिया यहाँ पे, बंद भी कर दिया ये गोल वाला चक्कर, आगे से घुमाना पड़ेगा। हम लोग रॉयल कमीशन में एंट्री कर चुके हैं और हरियाली आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि सऊदी अरब में भी इतना ज्यादा पेड़ लगाया गया है। तो आप खुद देख सकते हैं अपनी आंखों से, ये रॉयल कमीशन का नजारा है। और हम लोग अभी फनातीर में एंट्री कर चुके हैं और ये काफी फेमस एरिया है, और यहाँ पे खजूर का तार का पेड़ यहाँ पे लगाया जाता है, और हरियाली कितना अच्छा से लगाया जाता है, और हर झाड़ के पीछे हर पेड़ के पीछे पाइपलाइन बिछाया जाता है ताकि उस पर पानी टाइम टाइम से आ सके, नहीं तो यहाँ पे हरियाली नहीं रह सकता। तो हम लोग अभी गाड़ी पार्किंग के लिए जगह ढूंढेंगे, और इस साइड में पूरा समंदर ही समंदर है और ये काफी बड़ा एरिया है। आप देखेंगे तो आप भी परेशान हो जाएंगे। इस वीडियो को सही से लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे लोलू मार्केट भी है, मार्केट में भी घुमाने वाला हूँ, और यहाँ का सीन देख सकते हैं, ये सब होटल है, और जो लोग यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए यहीं पे रुकते हैं, खाते हैं, पीते हैं और मजे करते हैं। और सफाई का ख्याल इतना ज्यादा रखा जाता है आप देख सकते हैं। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं हम आ चुके हैं रॉयल कमीशन अल फनातीर में, काफी खूबसूरत एरिया है और सफाई का ख्याल तो कुछ इस तरह से रखा जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे राइडिंग करने के लिए साइकिल भी है, पता नहीं क्या है, और इसका लग रहा है पैसा पे करके घूमना पड़ेगा। तो काफी खूबसूरत इलाका है, काफी खूबसूरत इलाका है, ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। और यहाँ से साइकिल भी लेकर जा सकते हैं घूमने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी दूर में है। वाह, इधर ये सब सब के सब इधर ही आ गए हैं, क्या हो रहा है उधर भाई? ये देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत यहाँ का माहौल है। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन पानी का जो फुहारा है या झरना इसे कह लीजिए, काफी खूबसूरत लग रहा है। डायरेक्ट हो गया, गर्मी काफी ज्यादा है, लेकिन यहाँ का जो पानी का झरना है काफी खूबसूरत है, बहुत सुकून है। लेकिन गर्मी की वजह से थोड़ा परेशानी है, पसीना भी बहुत ज्यादा निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पे रुतबा है और हम लोग अभी फनातीर बीच से हैं और यहाँ का माहौल बड़ा अलग है। अरे बाबा, अरे पानी भी गिर रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं। और दूर दूर तक जहाँ भी आप देखेंगे समंदर ही समंदर है। इधर साइड में होटल है, रेस्टोरेंट है, मार्केट है, और इस साइड में जितना भी आप देखेंगे जितना दूर तक समंदर ही समंदर है। तो देखते हैं क्या होता है। अरे बाबा, अरे क्या खूबसूरत मौसम है भाई, अरे भीग गया भीग गया। शाहरुख खान का स्टाइल मारो ऐसे वाला भाई, मछली देखो मछली, कितना मछली इधर है यार, मछली है इधर नीचे, बहुत बड़ी है यार, कहीं आईफोन ना गिर जाए। बड़ी कहाँ? नीचे नीचे रहो। नीचे है नीचे, हाँ ये सब पत्थर के, ये तो फंसाने में मजा आएगा, ज्यादा बड़ी नहीं,
छोटी छोटी है तुम्हारे, वो दिख रहा है ऐसा, लेकिन अब पकड़ेंगे तो थोड़ा बड़ा होगा। जंप मारूं? अभी गर्मी इतना ज़्यादा है कि आप देख सकते हैं टी शर्ट भी भीग चुका है, और हम समंदर के किनारे हैं, लेकिन समंदर में कोई तूफान नहीं है इसलिए हवा भी नहीं है, और यहाँ का जो देख सकते हैं लुक है कुछ इस तरह का है, समंदर ही समंदर है, और ये रॉयल कमीशन का फनातीर है। शाम हो चुकी है और यहाँ का कुछ व्यू मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग है पनातीर में, और मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। इसका गेट आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है, और बिल्कुल आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं, करीब में लाकर दिखा दिया हूँ, और जब इसे दूर करेंगे तो देख सकते हैं कितना दूर चला गया। और ये वाओ काफी खूबसूरत लग रहा है यार, सच में बच्चा का ही वीडियो सही आ रहा है। शाम हो चुकी है इसलिए हम लोग यहाँ पे बोट पे नहीं चढ़े, नहीं तो 5 आदमी का 300-350 रियाल लेता है, तो इसी हिसाब से काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे बोट पे भी चढ़ते हैं और घूमते हैं, मज़े लेते हैं। लेकिन शाम हो चुकी थी इसलिए हम लोग सोचे अंदर जाएंगे फिर वीडियो बनाएंगे, आएगा नहीं आएगा, क्योंकि ये वीडियो अभी क्लियर दिख रहा है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक जिधर भी देखेंगे उधर समंदर ही समंदर है, और यहाँ पे बोटिंग भी होती है, पता नहीं कितना रियाल लेता है, लेकिन शाम का मौसम बहुत खूबसूरत है, बहुत सुहाना है। ये देख सकते हैं लग रहा है रॉकेट गया इधर से, पता नहीं क्या गया है, दूर दूर तक आपको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि गर्मी कुछ ज़्यादा ही है, और गर्मी की वजह से लोग यहाँ पे अभी नहीं आ रहे हैं। अगर मौसम ठंडा रहता है तो सब के सब इस मैदान में बच्चे लोग खेलते हैं, यहाँ पर झूला लगाया गया है, और इस साइड में हरियाली है घास है, तो सब यहाँ पे बैठते रहते हैं, और चाय गावा यहाँ का ओरिजिनल जो चलता है वो लोग पीते रहते हैं, और ऑर्डर यहीं से करेंगे खाने के लिए, खाना भी यहीं पे मंगवा कर खाते हैं, और रात तक यहीं पे रुकेंगे फिर चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ का माहौल शाम होते ही शुरू हो जाता है, लेकिन गर्मी कुछ दिनों से ज़्यादा पड़ रहा है, इसकी वजह से लोग यहाँ पर अभी ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। अभी हम लोग आ चुके हैं मॉल के अंदर, जैसा कि आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा मॉल है, और मॉल के अंदर खजूर का झाड़ भी लग रहा है, ओरिजिनल या डुप्लीकेट है पता नहीं, ओरिजिनल नहीं है डुप्लीकेट है, लेकिन काफ़ी खूबसूरत लगता है। और यहाँ पे पानी का थोड़ा बहुत झरना भी है, यानी सही है, ठंडक है, बाहर गर्मी जितना है उतना ही ज़्यादा अंदर मौसम ठंडा है, यानी सुकून है, तो काफ़ी बड़ा मॉल है, काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, यानी लुलु मॉल और गैलेरिया मॉल सब इसी में है। बाहर अगर ज़्यादा घूम के गर्मी कपड़े भीग जाए ना तो अच्छा आइडिया ये है, ये मॉल में आके बैठो ठंडा हो जाओ, बाद में जाओ, हम लोग यही कर रहे हैं, अंदर घुस जाए, अंदर घुस कर आराम से ठंडा होइए, उसके बाद कपड़ा भी लग रहा है भीग गया है, तो सुकून थोड़ा मिलेगा, उसके बाद जाएंगे और निकल लेंगे, बस इतना ही, बस।